हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। जीएसटी के बेसिक्स हम सारे समझ चुके हैं। जीएसटी से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, ये हम समझ चुके हैं। जीएसटी के टाइप्स क्या हैं हम ये समझ चुके हैं। जीएसटी के एडवांटेजेस हम समझ चुके हैं। इसके अलावा हमने जीएसटी को इनपुट को हमने जीएसटी आउटपुट से कैसे सेट ऑफ करना है हमने ये भी समझ लिया है, और अकाउंटिंग एंट्रीज भी हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे जीएसटी का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस को, या ये कह लीजिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो सेलर है एट द टाइम ऑफ सेलिंग वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा उन स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, बल्कि जो परचेजर है वो जब परचेज करेगा उसके बाद में जीएसटी को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मीन्स जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड और कलेक्टेड बाय द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स, रादर इट इज पेड बाय द पर्सन हु इज परचेजिंग द गुड्स। जो परचेजर है वो खरीदता है गुड्स को और जमा कर देता है जीएसटी गवर्नमेंट अकाउंट में। अब आप बोलोगे कि इससे तो परचेजर को नुकसान हुआ, वो तो सेलर के बिहाफ पे जीएसटी जमा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो परचेजर है वो जब जीएसटी जमा करेगा तो उसका इनपुट क्रेडिट लेगा, जीएसटी इनपुट लेगा, जो कि वो अपने आउटपुट के साथ में बाद में एडजस्ट कर सकता है, तो इसलिए नुकसान उसको भी नहीं है। तो ये है रिवर्स चार्ज कि सेलर नहीं करेगा जीएसटी चार्ज, परचेजर ही करेगा और वो ही जमा करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ इसके बारे में। नॉर्मल केस में जीएसटी पेमेंट कैसे होती थी, पहले देखिए। नॉर्मल केस ऑफ जीएसटी पेमेंट, आप ये एग्जांपल देखिए अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर है और ये है परचेजर, सप्लायर गुड्स देता है या सर्विसेज भी देता है, ये परचेजर है या रिसीवर कह लीजिए, परचेजर क्या करता है, प्राइस तो देता ही है प्लस में जीएसटी भी देता है। सपोज प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो 1000 है और जीएसटी अगर 100 रुपीज है तो परचेजर जो है 1100 रुपीज़ सेलर को देता है। ये होता है नॉर्मल केस में। अब सेलर क्या करता है, ये गवर्नमेंट भी है। अब ये सेलर इन 100 रुपीज़ को जीएसटी 100 रुपीज़ को ये गवर्नमेंट को जमा कर देता है। यहाँ पे परचेजर को सिर्फ से सप्लायर को देने हैं और सप्लायर गवर्नमेंट को जमा करता है। ये है नॉर्मल केस ऑफ जीएसटी पेमेंट। अब आ जाइए रिवर्स चार्ज केस ऑफ जीएसटी पेमेंट। सप्लायर, परचेजर और गवर्नमेंट। सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज परचेजर को सेल किए। परचेजर क्या करता है, सिर्फ से प्राइस देता है। प्राइस अगर 1000 रुपीज़ है तो वो 1000 रुपीज़ सेलर को दे देगा। इसके बाद परचेजर क्या करेगा, जो जीएसटी है
1000 पे अगर 100 रुपीज़ है जीएसटी, तो जो परचेजर है ये गवर्नमेंट को जमा करेगा। ये है रिवर्स चार्ज, समझे आप। नॉर्मल केस में सप्लायर जीएसटी जमा करेगा गवर्नमेंट को, और रिवर्स चार्ज केस में परचेजर गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ जमा करेगा। अब आप कहेंगे ऐसे तो परचेजर को महंगा पड़ा। महंगा नहीं पड़ा, वो जीएसटी का इसका इनपुट क्लेम करेगा ना, जो अपने आउटपुट में से सेटल कर सकता है, उसको उसको प्राइस यही पड़ी 1000 रुपीज़ जो उसने सेलर को दिया। यहाँ सेलर ने गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना, परचेजर ही देगा। अब हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ऐसे कौन कौन सी गुड्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ। वेलकम बैक। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रखा हुआ है। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हम थोड़े से आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे नंबर वन है, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड डीलर। डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, इसका मतलब बताता हूं। अगर कोई डीलर अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसने जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ है, वो बोल उसको कहते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर कुछ ऐसा गुड्स सप्लाई करता है अनरजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर को वो करता है, तो वो कैटेगरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगी। इस केस में रजिस्टर्ड डीलर जो है वो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स वो जमा करेगा जीएसटी को गवर्नमेंट अकाउंट में, अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं करेगा। इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ रजिस्टर्ड डीलर टू डिपॉजिट जीएसटी इन गवर्नमेंट अकाउंट। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज टू बैंक्स। आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए होते हैं एटीएम्स के आगे या बैंक्स के गेट पे होते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जो इनके सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ये जब बिलिंग करेंगे तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। थर्ड एक एग्जांपल और ले लीजिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू एंड फ्रो, जो एजेंसीज गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन एजेंसीज भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हैं। इसके इसके अलावा और ले लीजिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, जो सर्विसेज खुद गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उन पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, थोड़े से और ले लीजिए, टेलीकॉम सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सप्लाई करना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क। ये सब सर्विसेज जो हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में आती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स से, लिस्ट तो और भी बहुत लंबी चौड़ी है, तो मेन एग्जांपल्स ये आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम समझेंगे किन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है कि जीएसटी लगेगा ही नहीं, सर्विसेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। अभी हम इसके बाद देखते हैं, अभी मैं इसको रख वेलकम कर बैक। यहाँ पे मैंने वो सर्विसेज लिखी हैं जो कि गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है जीएसटी लगने के लिए। सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्टेड टू लेवी जीएसटी,
वो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे फर्स्ट आप ले लीजिए सैलरी एंड वेजेस, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि कैब सर्विस है, ऑटो सर्विसेज है, या हमारे ट्रक्स से हम गुड्स या गुड्स को हम सप्लाई करते हैं, उन सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, जो आपकी कॉलेज की स्कूल की फीस आती है, उस पर जीएसटी लग के नहीं आता है। बैंकिंग सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज जो हमारे यहाँ पे हैं, अगर हम उनको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो बिल आता है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ नहीं आता है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं, और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप लोगों के लिए इस लेवल पे इतना ही समझना बहुत है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जीएसटी पेड उस रिवर्स हो जाता है। जी मतलब इनपुट आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते आउटपुट के अगेंस्ट में, डेट हैज़ टू बी रिवर्स्ड। ऐसे कौन से केसेस हैं वो हम आपको बताते हैं। जीएसटी पेड, पेड किस पे है? परचेजेस के ऊपर। जीएसटी पेड, पेड होता है इनपुट इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्री गिफ्ट्स दिए हैं या फ्री सैंपल्स दिए हैं। फ्री गिफ्ट्स या फ्री सैंपल्स हम कब देते हैं? हम अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए देते हैं या सेल्स प्रमोशंस के लिए देते हैं। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी ये हम अपने पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। इस केसेस में हम जीएसटी इनपुट को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसको रिवर्स ही करना पड़ेगा। सेकंड, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गुड्स डिस्ट्रॉय ही हो गया है, तो उस केस में भी आप जीएसटी इनपुट्स को सेट ऑफ नहीं कर सकते, आउटपुट के अगेंस्ट में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ले लीजिए एग्जांपल्स, डोनेशंस या जिसको चैरिटी भी बोलते हैं, ड्राइंग्स, जो अगर ओनर ने कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, उस केस में भी जीएसटी इनपुट रिवर्स ही होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जीएसटी के ऊपर वीडियो। हम आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जीएसटी को यहीं पर ही फिनिश करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है? अगर अभी भी कुछ आपको डाउट्स हैं कुछ मन में, तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझको लिखिए, मैं उसको या तो अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा या कमेंट सेक्शन में ही नीचे आपको उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।